अगली खबर में बात करते हैं समाज सेवा को लेकर। कड़कड़ाती ठंड में मंदिर मठों के बाहर दिन रात काटने वाले निसहाय लोगों की मदद के लिए समाज सेवी सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को सिंधु यूथ विंग के द्वारा कंबल और फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने फल और कंबल का वितरण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सिंधु समाज के द्वारा व्यवस्थित ढंग से पहले जरूरतमंदों का सर्वे किया जाता है और उन्हें टोकन वितरित किया जाता है। इसके बाद जरूरतमंदों को यहां पर वस्तुएं वितरित की जाती हैं, जो प्रशंसनीय है। सिंधु यूथ विंग को के सभी पदाधिकारियों को, सचिन डूडानी जी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि लगातार 16 वर्ष है जब वो ठंड के शुरू होते ही कंबल लेके और खाद्य पदार्थ लेके और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। जो लोग वास्तव में नीडी हैं उनको टोकन देते हैं, पिछले एक हफ्ते से सर्वे करते हैं और उन लोगों को टोकन बांटते हैं और उनको कहते हैं कि आप टोकन लेके फलानी तारीख को फलानी जगह शंकर जी के मंदिर के सामने आ जाइएगा, यहाँ पर आपको सामग्री का वितरण होगा। तो आज आप देखिए कि सब टोकन लेके आए हैं, अपना टोकन दिखा रहे हैं और यहाँ पर समाज के सभी प्रमुख लोग एक एक करके एक एक सामग्री के सामने खड़े हैं और उनको दे रहे हैं। तो सिंधु यूथ विंग की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मोहनलाल नवानी जी, राजकुमार हिलवानी जी, पप्पू मन्ना जी, संतुलाल आहूजा जी, सदियालाल मंगलानी जी, उदासी बंधु संत हंसदास जी, संत स्वरूपदास जी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से श्री बी के प्रकाश जी, श्री रमेश सुनेता जी तिवारी जी, साथ ही युवा समाज सेवी निशा एवं मोहित हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज के तो हो गया कार्यक्रम कवरेज कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद लगाता हूँ उनको। नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन आप।